नेशनल हेल्थ मिशन के नर्सिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा मामले को लेकर ग्वालियर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश से ऑपरेट होने वाली गैंग का नेटवर्क मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर से जुड़े हुए। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें गिरोह का मास्टरमाइंड फरार है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है। ग्वालियर पुलिस को एक छात्र के परिजन ने सूचना दी कि कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया है, वो डील करने डबरा के ट्रेनकपुर स्थित होटल के पास बुला रहे हैं, यहाँ बड़ी डील हो सकती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने वहां छापा मारा और मौके से 33 लोगों को पकड़ा। इनमें से 8 आरोपी है जो पेपर लीक कर बेच रहे थे। 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के मेरठ के और इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बाकी 2 आरोपी हरियाणा और 3 ग्वालियर के रहने वाले हैं। इसके अलावा मौके से 26 स्टूडेंट्स को भी पकड़ा गया, जिनमें 15 लड़की और 11 लड़के शामिल हैं। ये अभी क्राइम ब्रांच ने अभी जस्ट कुछ लोगों को, कुछ युवकों को हिरासत में लिया है और कुछ उनके पास सामग्री मिली है, और हमें पूरी आशंका है जो अभी पता चल रहा है कि अभी 3-3:30 बजे से जो NHM का नर्सिंग स्टाफ का पेपर था, उससे संबंधित कुछ ये सामग्री जो है स्टूडेंट्स को या जो परीक्षार्थी हैं उनको ये दे रहे थे, बेच रहे थे।